आज मैं आलू और मैदे के बिस्किट बनाने जा रही हूँ गाइस। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखो मैं से आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं और खाएं, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आलू और मैदे के हम बिस्किट बनाएंगे गाइस, बिल्कुल पकौड़े जैसा टेस्ट आने वाला है। आप देखें हम किस तरीके से बहुत ही सिंपल बनाने जा रहे हैं। ये हमने आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं, और ये 3 बड़े आलू हैं, 150 ग्राम के करीब ये आलू हैं, और ये एक बड़ी प्याली हमने इसमें मैदा लिया है, इसे इसमें डाल लेंगे। इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस इसमें स्वाद अनुसार हम नमक भी ऐड करेंगे, और इसमें गाइस इसमें हमने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनिक का भी यूज़ कर रहे हैं। हम नए तरीके से इसे बनाने जा रहे हैं। थोड़ी ये और थोड़ी सी कुटी हुई हम मिर्च ऐड करेंगे, और इसे हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। इसमें हम कोई पानी यूज़ नहीं करने वाले, इसे हमें आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट ही तरीके से इसे गूंदना है। ये हमने अच्छी तरीके से इसकी गुंदाई कर ली है, और इसे 1 से 2 मिनट और गूंदेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे ये क्रिस्पी बने। ये हमने 1/2 चम्मच ऑयल डाल लिया है, और इसकी 2 से 3 मिनट और गुंदाई करेंगे। हमने इसकी 3 मिनट अच्छी तरीके से गुंदाई कर ली है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट रख के फिर इसको दिखाते हैं कि हम इसके कैसे बिस्किट बनाते हैं। यह हमारा आटा सेट हो चुका है, और यह हमने एक कढ़ाई रख ली, इसमें ऑयल डाल दिया है गाइस। ये जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम आपको दिखाते हैं। इसको हम छोटे छोटा सा लेंगे, और इसकी हम बॉल बनाएंगे। छोटी छोटी इसकी बॉल बना के हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी क्या शेप देंगे। गाइस हमने ये बॉल सी बना ली हैं। अब इसको हम फोक की सहायता से इसको इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। गाइस इस तरीके से हम बना लेंगे, सभी को हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और बहुत ही सिंपल है गाइस इसको बनाना। गाइस देखो इसकी हमने ये शेप दे दी है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब से एक एक करके हम इसे ऑयल में डालेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में हमें डालना नहीं है, क्योंकि हमें इसे हल्के गैस पे ही फ्राई करना है। इसे 5 से 6 डालिए हमने। इसे अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम चलाएंगे। गाइस देखो कैसे ये फूल रही हैं। गाइस हमारा अच्छे तरीके से सिकाई हो चुकी है इनकी, और ऐसा ही कलर लेना है, ज़्यादा हल्का भी नहीं, ज़्यादा डार्क भी नहीं। ये डार्क ब्राउन है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। गाइस देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये बनके, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और जो हमारे बच्चे हैं गाइस, उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई करके आपको दिखाते हैं। गाइस ये बनके हमारी तैयार हो चुकी है। देखो गाइस देखने में कितनी बढ़िया डिश लग रही है हमारी। आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं मैदे और आलू के बिस्किट। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी भेज सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करें, इसे ज़रूर बनाएं, और गाइस मेरे वीडियो को आगे पहुंचाएं। गाइस मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गाइस मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।